यूनियन, रीजनल और कोड, ठीक है। यूनियन में कैसे, यूनियन में कौन सा लैंग्वेज, रीजनल में कौन सा लैंग्वेज और कोड में कौन सा लैंग्वेज, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। व्हाट आर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल कौन कौन सा हो गया, यूनियन हो गया, यूनियन वाले हो गए, रीजनल हो गया और तीसरा कोर्ट वाले, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा, व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज 1963, ये देख लो ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 कहाँ गया, ये रहा ऑफिशियल लैंग्वेज 1963, ये देखो इसमें कहता है हिंदी रिटन इन देवनागरी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी जो देवनागरी में लिखी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सा, देखो रीजनल लैंग्वेज होता है स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड और हिंदी, ठीक है, स्टेट इसको डिक्लेयर करें फिर हिंदी होगा, ठीक है। लैंग्वेज जुडिशरी में कौन कौन से यूज करते हैं, देखो लैंग्वेज जुडिशरी कौन कौन से होते हैं, पब्लिश एंड प्रोसीडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है, प्रोसीडिंग और पब्लिशमेंट और पुलिस दोनों किसमें होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। वाटर क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया कौन कौन सा है, देख लो हब मतलब हैब मतलब हेरिटेज, एंटिकिटी और बोरो नॉट, ठीक है, हेरिटेज होना चाहिए, एंटिकिटी होना चाहिए और बोरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया हेरिटेज का वो कहते हैं हब, ठीक है। व्हाट इज स्टेट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का स्टेट क्या है, देख लो आगे आएगा, इंग्लिश का स्टेट आगे आएगा, पहले तो स्टेट ऑफ इंग्लिश का है कि ऑफिशियल नहीं है बट एडिशनल है, बट एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है बट एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इसको इतना बोलते, ठीक है, इतना याद रखो फिर के लिए, लिबरल हो गया, रेडिकल हो गया, रिएक्शनरी हो, ठीक है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल और रिएक्शनरी, ये चार टाइप के पार्टी होते हैं, ठीक है। अब पार्टी सिस्टम, व्हाट आर इशूज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, फॉकेट, फॉकेट इशूज कौन से, फॉकेट, फॉकेट मतलब फैक्शन, अपोजिशन, कल्ट, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी और ट्रेडिशनल फैक्टर, ठीक है, फॉकेट, फॉकेट मतलब फैक्शन, अपोजिशन, कल्ट, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी और ट्रेडिशनल फैक्टर, ठीक है। कंडीशन ऑफ नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी कंडीशन कौन कौन से, देख लो सीधे, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी मतलब 6-4=2, यानी कि 6% वैलिड वोट होने चाहिए चार स्टेट पे, या फिर स्टेट पार्टी होनी चाहिए चार स्टेट्स में, या फिर 2% लोकसभा, फिर चुनाव, 6% वोट्स होने चाहिए चार स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट पार्टी होनी चाहिए चार स्टेट्स में, या फिर 2% होने चाहिए लोकसभा, ठीक है। स्टेट पार्टी का तो 6+6=3+1 इसको +8, ठीक है, फिर चुनाव, कंडीशनल पार्टी 6-4=2 इसका 6+6=3+1+8, ठीक है, 6% स्टेट पार्टी का 6+6=3+1+8, ठीक है, मतलब 6% वोट्स होने चाहिए असेंबली इलेक्शन में, या फिर 3% सीट्स और एक सीट +8% वोट, फिर से चुनाव, 6% वोट्स होने चाहिए असेंबली या फिर इलेक्शन में, असेंबली में या फिर इलेक्शन में 6% वोट्स, ठीक है, या फिर 3% सीट होने चाहिए, 3% सीट या फिर एक सीट, 3% सीट प्लस एक सीट होना चाहिए, ठीक है, नेशनल समझ में आ गया, ये देखो 6+6 3% सीट्स होना चाहिए, एक सीट होना चाहिए और 8% वोट होना चाहिए, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लगे क्या है, जेब, जेब मतलब 10th शेड्यूल और 52nd अमेंडमेंट, ठीक है, जेब मतलब 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। वाटर समझ में आ गया, ग्राउंड्स ऑफ क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे, रैप मतलब ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का, रैप, रैप मतलब रिजाइन, रिजाइन एब्सटेन और वोट अगेंस्ट, ठीक है, रिजाइन करें या फिर वोट अगेंस्ट करें, रिजाइन करें, वोट एब्सटेन, रिजाइन करें, एब्सटेन करें या फिर वोट अगेंस्ट करें, ठीक है। व्हाट इज डिसाइडिंग अथॉरिटी, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन कौन से होते हैं, स्पीकर होगा जो कि जुडिशियल के सब्जेक्टेड होगा, ठीक है, मतलब पहली बात स्पीकर डिजाइन करेगा, स्पीकर डिजाइन करेगा और वो, अब देखो मर्जर का वो 2/3 हो या फिर इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ द मर्जर, ठीक है, समझ में आ गया, आउट ऑफ द मेंजर मतलब मर्जर से 2/3 मेंबर पड़ते हैं, फिर मर्जर होना चाहिए, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, फिर वॉलंटरी रिजाइन करें सबसे ज्यादा, ठीक है, समझना, इसमें कुछ खास डिसाइडिंग करते होगा नुसीत रामने के बाद वाले उसको जुडिशियल के अंडर आएगा, ठीक है, पहले इसमें होगा कौन, ये होगा इतना ही याद रखना, ठीक है, थोड़ी देर की बात, इलेक्शन की बात, हु आर मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कहता है एक चीफ इलेक्शन कमीशन को होता है, एक चीफ इलेक्शन को होता है, तीन कहते हैं इलेक्शन, दो एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, दो कहता है इलेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है, एक एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और दो इलेक्शन कमीशन होता है, याद रखो, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और दो इलेक्शन वाला, ठीक है। अभी देखो पहले एक सेंटर होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हम रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, ठीक है। अभी देखो इलेक्शन कंपनी समझ में आ गया, रिटर्निंग ऑफिसर होता है पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में करता है, जो कि एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग स्टेशन, ठीक है, फिर सुनो पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिटर्निंग ऑफिसर होगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहाँ होगा, पोलिंग स्टेशन होगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहाँ होगा, पोलिंग स्टेशन होगा, ठीक है। अब इलेक्शन कंपेन, इलेक्शन कंपेन कैसे होता है, दो वीक पहले होता है, ठीक है, दो वीक पहले से लेकर 48 घंटे तक बिफोर पोलिंग क्लोजेज, ठीक है, 2 weeks to 48 hours बिफोर पोलिंग क्लोजेज, ठीक है। इसके बाद कौन सी बात है, वीवीपैट देख लो, इसके बाद अगला देखो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन हो गया, फिर वीवीपैट हो गया, वीवीपैट क्या होता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोट्स यूजिंग ए बैलेट लेस वोटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग क्या होता है, इसमें कुछ खास नहीं है, पढ़ेंगे
वीवीपैट में क्या था तुमको, वीवीपैट में क्या था तुमको, इसमें प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग बैलेटलेस वोटिंग पड़ता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग है बैलेटलेस, समझ में आ गया, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोट्स यूजिंग यूजिंग बैलेटलेस पेपर पर, ठीक है, प्रोविजन ऑफ ये समझ में आ गया, प्रोवाइडिंग ये देखो प्रोवाइडिंग फीडबैक देते हैं, मतलब वीवीपैट में कहता तुमको प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग ए बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम, बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं, ठीक है, एक प्रोविजन ऑफ 1950 का क्या है, देखो कुछ खास नहीं, ये देखो 1950 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से बोलो, देखो एलोकेशन क्वालिफिकेशन मेथोडोलॉजी, ठीक है, एलोकेशन पे डिपेंड करेगा, फिर क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, फिर मेथोडोलॉजी भी, ठीक है, एलोकेशन हो गया, फिर क्वालिफिकेशन और मेथोडोलॉजी, तीन चीज़ें डिफाइन किया, ठीक है, आर्टिकल आरपीए 1950 में एलोकेशन हो गया, ये देख लो एलोकेशन हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो गई, मतलब सीट्स के हो गया, रोल हो गया और ये हो गया, ठीक है, अब ये देखो 1958 इसमें क्या डज नॉट कॉन्सर्न, इसमें क्या हुआ, इसमें तो क्वालिफिकेशन की बात हुई थी, ठीक है, देखो पहले में एलोकेशन हुआ, दूसरे पे क्वालिफिकेशन हुआ, ये देख लो क्वालिफिकेशन क्या क्या हुआ, ये होगा, ठीक है, अब अगला कौन सा आएगा, इस अगले वाले में मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, इसमें होगा मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, मेथोडोलॉजी सिंह हो गया, अब देख लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज 1996 में था, डिप्टेशन इलेक्टर कमीशन ये सब हुआ था, ठीक है, ये हो, अब 1996 में क्या था, लिस्ट हुआ था, लिस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ये सब प्रोबेशन ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है, 1996 में प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बातें हुई थी, ये हो गई, ठीक है, अब अगला देखो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले बेसिक फर्स्ट अमेंडमेंट का था, प्रोविजन का था 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा होता है, तो 9th शेड्यूल में बात हुई थी, 9th शेड्यूल स्पीच नेशन, ठीक है, 5 साल, ठीक है, 9th शेड्यूल और स्पीच और नेशन पे, ठीक है, कैसे चैलेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर, एसजी के साथ गया कौन, IMW साथ गया कौन, इमरजेंसी वर्क, ठीक है, साथ गया कौन, संकारी हो गया, गोलकनाथ हो गया, केशवनंद हो गया, दूसरा IMW, ठीक है, इमरजेंसी वर्क, ठीक है, IMW देख लो, ठीक है, सास दिना को, ठीक है, इमरजेंसी वर्क, ठीक है, साथ गया कौन, ठीक है, IMW, ठीक है, इमरजेंसी वर्क, ठीक है, अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, साथ बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सा था, ये देख लो बेसिक स्ट्रक्चर कौन का, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेकुलर हो गया, सेपरेशन हो गया, लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव जुडिशियरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट और ये हो गया, ठीक है, पहली बात देखो व्हाट वाज फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन था, 5 साल, 5 साल मतलब प्रोविजन 9th शेड्यूल और स्पीच एंड नेशनल लिमिट, ठीक है, 5 साल प्रोविजन 9th शेड्यूल स्पीच एंड नेशनल लिमिट, ठीक है, व्हाट वर केसेस चैलेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर, पहला क्या था, शंकराचार्य एसजीके शंकर गोलक और केशवानंद साथ गया कौन, दूसरा IMW मतलब इंदिरा मिनर्वा और वामन, ठीक है, इंदिरा मिनर्वा और वामन तीन हो गए, ठीक है, इंदिरा मिनर्वा वामन कहाँ है, आगे होगा इंदिरा मिनर्वा वामन, ठीक है, ये हो गया, ये देखो इंदिरा मिनर्वा वामन कहाँ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, व्हाट वर कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फॉक्स बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से, ये देखो इंदिरा मिनर्वा और वामन, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से, ये देख लो फॉक्स, फॉक्स मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर और सेपरेशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर और सेपरेशन, ठीक है, फॉक्स लेज मतलब लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट्री, एक्जीक्यूटिव मतलब रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी मतलब कोर्ट फ्रीडम, फिर फॉक्स मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर सेपरेशन और लेज मतलब लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट्री, एक्जीक्यूटिव मतलब रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अब अगला बात करते हैं इमरजेंसी पे, इमरजेंसी कहाँ था, आगे आ जाएगा, मीट एनी एब्रम्सन, ये क्या होता है, इनेबल करता है सेंटर को, तो कोई भी इमरजेंसी एनेबल सोल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ इमरजेंसी का NPF, NPF मतलब क्या, नेशनल प्रेसिडेंशियल और फाइनेंस, ठीक है, टाइप ऑफ इमरजेंसी नेशनल प्रेसिडेंशियल और फाइनेंस, ठीक है, 52-56-60, ठीक है, व्हाट आर नेशनल इमरजेंसी, ये WEA मतलब वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है, WEA वीयर मतलब वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है, व्हाट आर एडिशन थ्रू 44th अमेंडमेंट बाद अमेंडमेंट होता है, जिंक मतलब जुडिशियल रिव्यू इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, व्हाट आर रूल ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ इशू बट रेवोकेशन एनी टाइम बिफोर, ठीक है, डेट ऑफ इशू के 1 month के अंदर लेना पड़ेगा, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से है, इफेक्ट्स कौन कौन से, ये देख लो इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, फार मतलब फंडामेंटल राइट असेंबली और रिलेशंस, फंडामेंटल राइट असेंबली, असेंबली की होती पावर और रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, व्हाट इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होगा, देखो फेडरल टू यूनिटरी, फेडरल से यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन असेंबली में क्या हो जाएगा, असेंबली में ये हो जाएगा, लाइफ एक्सटेंड बाय 1 year, 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, अलग इफेक्ट्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाएगा, फंडामेंटल 19 कैन बी सस्पेंडेड बट नॉन इन केस
case of army money. Army money case, bahar ki case mein attendance ho raha hai. For others, right to seek remedy. For others, enforcement or right to seek remedy is suspended. Enforcement or right to seek remedy, ye dono skip ho jayenge. Theek hai, lok adalat ka ye samajh mein aa gaya. Ye sab pehli baat 19 chale jayega. Theek hai, 19 chala jayega. Agar extension aur dusra bhi se to bata hi diya ki enforcement or right to seek remedy ye chala jayega. Theek hai, declaration dekh lo sab cheeze hain kuch khas 1985 paper. President rules ka kya tha? President rules tumhe pata hi 356-55 ye hota hai. Theek hai, for the board of the consequence of president rules mein kuch khas hai nahi. हाँ जी, स्कोप जो जुडिशियल वो ये देख लो, वोमन क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें बोलते हैं. ठीक है, अगला देखो अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म. ठीक है, ये क्या पिका पिक किया पेसिया पेसी मतलब प्रीलिटिगेशन फेज. प्रीलिटिगेशन फेज हो गया एक्सपेडिशन जस्टिस चीफ एबनॉर्मल. ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं रहने दिया.